पूरी दुनिया में जितनी भी कंपनीज हैं उनमें से टॉप 5 पोजीशन पर कौन सी कंपनियां आती हैं और इंडियन कंपनीज की क्या रैंकिंग है, ये हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। इस लिस्ट को जारी किया है टाइम्स कंपनी ने, जो बिलोंग करती है यूएसए से। इस लिस्ट को प्रिपेयर करने के लिए कुछ पैरामीटर होते हैं, जैसे कंपनी की रेवेन्यू क्या है, उस कंपनी का ग्रोथ क्या है और वहां पर एम्प्लॉय की सेटिस्फेक्शन रेट क्या है। इस प्रकार से एक स्कोर को तैयार किया जाता है जिसके अकॉर्डिंग कंपनियों को रैंकिंग जाती है। इस लिस्ट में सबसे पहले पोजीशन पर जो कंपनी आई है उसका नाम है एप्पल। इस कंपनी का हेडक्वार्टर यूएसए में है। सेकंड पोजीशन जो आई है वो है एक्सेंचर की। इस कंपनी का हेडक्वार्टर आयरलैंड में है। थर्ड पोजीशन मिली है माइक्रोसॉफ्ट को। इस कंपनी का हेडक्वार्टर यूएसए में है। फोर्थ पोजीशन जो मिली है वो कंपनी है बीएमडब्ल्यू ग्रुप। ये कंपनी बिलोंग करती है जर्मनी से। फिफ्थ कंपनी जो है वो है अमेजोन, जिसका हेडक्वार्टर है यूएसए में। तो ये रैंकिंग है टॉप 5 कंपनीज की। इन कंपनीज के सीक्वेंस को इस प्रकार से याद किया जा सकता है कि अगर कंपनी के पहले अल्फाबेट को उठा लिया जाए तो एक सीक्वेंस बनता है AA MBA, एप्पल, एक्सेंचर, माइक्रोसॉफ्ट, BMW, अमेजोन। अब देखते हैं कि इंडियन कंपनीज की रैंकिंग क्या है इस लिस्ट के अकॉर्डिंग। तो 112वें पोजीशन पर जो कंपनी आती है वो इंडियन कंपनी है HCL, और इस कंपनी का हेडक्वार्टर है नोएडा यूपी के अंदर। 119वीं पोजीशन पर जो कंपनी आती है वो है इन्फोसिस लिमिटेड, और इस कंपनी का हेडक्वार्टर जो है वो है बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर। 134वें पोजीशन पर जो कंपनी है वो है विप्रो लिमिटेड, और इस कंपनी का हेडक्वार्टर भी बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर है। 187वीं पोजीशन पर जो कंपनी है वो है महिंद्रा ग्रुप, और इस कंपनी का हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है, महाराष्ट्र में। 504वीं पोजीशन पर जो कंपनी है वो है एक्सिस बैंक, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर। तो ये हैं टॉप इंडियन कंपनीज जिन्होंने इस लिस्ट के अंदर रैंकिंग हासिल की, और ये कंपनीज हैं टॉप 5 पोजीशन पर।